अब की बार 400 पार बोला था। खेल शुरू हो गया था सर, खेला होगा, शुरू हुआ ना खेल, तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हरा गया इधर सर, आपको हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहा, एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे, गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर, आपको सिर्फ आप ही है आप अंदर में। Now said, people of this, remember your attitude towards opposition. You could not fulfill your promise, whatever you made in every field, either in Mann Ki Baat or in Dil Ki Baat. Modi ji ka guarantee hai, lekin Modi ji ka guarantee mein warranty nahi hai sir. Public knowing, there is no warranty. Guarantee hai, lekin warranty nahi hai. Har din, har pal. याद रखना होगा, हम लोग अनस्टेबल हो और वो लोग इंडिया ब्लॉक ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा सख्त है। मेरा जो वक्तव्य हम रखेंगे इधर, जो हम बोलेंगे इधर, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ाई चलेगा, पॉलिटिकल लड़ाई चलेगा और ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। सिर्फ महाराष्ट्र के इलेक्शन होने दीजिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने दीजिए, उनका बाद डेढ़ बरस में साफ हो जाएगा, इस गवर्नमेंट को कोई नहीं दे नहीं सकता है सर। इन आवर कंट्री चंद्रबाबू नायडू, व्हाट अबाउट अजीत पवार, व्हाट अबाउट प्रफुल्ल पटेल, डिड सीबीआई एंड ईडी अरेस्टेड हिम चंद्रबाबू नायडू, वेयर आर दिस केस इज स्टिल पेंडिंग। जो सदस्य यहाँ के मेंबर नहीं है, ठीक है, चलिए टीडीपी लीडर्स, चलिए टीडीपी लीडर्स चेंज कर देता है, एनसीपी लीडर्स चेंज कर देता है, आप जो बोल रहे हैं आप चेंज कर दे, आर दे नॉट कोरप्टेड, व्हेदर द टीडीपी टॉप लीडर वाज नॉट अरेस्टेड बाय द ईडी सीबीआई बाय लास्ट गवर्नमेंट इटसेल्फ, ही हैज बिकम सर, ही हैज बिकम नाउ ऑनेस्ट। हाँ, वॉशिंग मशीन में कैसा क्लीन हो गया देखिए, बीजेपी का साथ रहने के बाद ऐसा क्लीन हो गया। नाउ What a political compulsion is having? What a political compulsion? Narendra Modi ji, what a fate dekhiye, kya political compulsion hai? Aapko bhi dishonest corrupt leaders ka leke sarkar banana padta hai. Yehi fate hai, fate.